जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभरतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य अपनी स्वयं की गलती की वजह से किस प्रकार से कष्ट भोगता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, कई जगह पुराणों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े ज्योतिषी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, महापुरुष लोग, ऋषि मुनि लोग इस बात को बता के गए हैं, परंतु आज भौतिकवादी मनुष्य इन चीजों को भूलता जा रहा है और सिर्फ भाग भोग्यवाद के अंदर ही वह उतरता जा रहा है। जितना आप भोग करोगे उतना कष्ट की प्राप्ति होगी और जितना भोग को आप छोड़ोगे उतना आप उत्तरोत्तर ईश्वर की ओर अग्रसर होते जाओगे। तो आज का मनुष्य, कलयुगी मनुष्य, सिर्फ भोग में विश्वास कर रहा है और भोग के अलावा उसमें शराब का भोग हो गया, मांस का भोग हो गया और स्त्री का भोग हो गया। तीनों को निषेध बोला गया है, बहुत सी जगह तीनों को निषेध है। अब यदि आप, जो मैं तिथि बोलने जा रहा हूं, जो त्योहार बोलने जा रहा हूं, जो समय बोलने जा रहा हूं, उस समय पर मनुष्य यदि इन तीनों का भोग करता हो, चाहे मांस का सेवन करता हो, चाहे मदिरे का सेवन करता हो, चाहे वो स्त्री का भोग करता हो, चाहे वो स्वयं की स्त्री हो, चाहे वो पराई स्त्री हो, यदि उसका भोग करता है यानी स्त्री के साथ सहवास करता हो, स्त्री के साथ संभोग करता हो, तो निश्चित तौर से उस परिवार को, उस स्त्री को भी और उस पुरुष को भी कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर आप कहेंगे साहब हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर भगवान हमें बीमारी क्यों दे रहा है? हमने किसी का पैसा नहीं हड़पा है तो भगवान हमें बीमारी क्यों दे रहा है? हमने किसी की संपत्ति जमीन जायदाद को नहीं हड़पा है तो भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने नियम कानून का पालन नहीं किया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया। तो मुझे उम्मीद है मैं जो अपना धर्म निभा रहा हूं उस धर्म को निभाने का काम करता रहूंगा। अब आपका धर्म है कि आप, मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूं उस ज्ञान को आप स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारें ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति कम हो, ताकि आप उस भगवान को, उस परम पिता परमात्मा को दोष न दो कि हमने तो गलती नहीं की पर भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है, क्यों हमारे ऊपर प्रेत का साया लगा हुआ है, क्यों हमारे ऊपर जिन जन्नात लगे हुए हैं, क्यों स्त्री के ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है, क्यों बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रही है, या क्यों हम अनजाने में बीमार पड़ जाते हैं, क्यों हमें अचानक कोई भी क्रोनिक डिजीज हो जाती है। क्रोनिक डिजीज का मतलब कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी होती है। क्यों शुगर जल्दी हो जाती है, क्यों ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाता है, या कोई भी शरीर की और भी ऐसी कोई बीमारी जो लाइलाज होती है, ये क्यों लगती है? जबकि हम एक ही चूल्हे चौके पर खाना खाते हैं, एक ही चूल्हे चौके पर एक जैसा ही खाना बनता है, परंतु बीमारी अलग अलग लगती है। पति को अलग बीमारी होती तो पत्नी को अलग बीमारी होती है, बच्चे को बीमारी नहीं होती है, और कई बार बच्चे को हो जाती है तो मां बाप को नहीं होती है। इसका कारण भी सिर्फ आपके और आपके पाप कर्म और जो हमारे दिशा निर्देश की जो किताबें हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कुछ ग्रंथ हैं, कुछ पुराण हैं, कुछ वेद हैं, गीता जी है, भागवत जी है, रामायण जी है, इनके नियम कानून का पालन नहीं करना, इनसे वो ज्ञान प्राप्त नहीं करना जो अद्भुत ज्ञान है, जो रहस्यमय ज्ञान है, वो ज्ञान आपको निकालना है। अब वो ज्ञान हमने निकाल के आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को
महाशिवरात्रि के दिन कभी भी सहवास, संभोग या शराब या मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मैं कुछ तिथि बोल रहा हूं, इन तिथियों में, इन त्योहारों पर तीन चीजों का निषेध पूर्णतः वर्जित है, और यदि करते हैं तो उस तिथि के देवता आपको शाप अवश्य देते हैं। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। होली के दिन, दिवाली की रात, राखी, अमावस्या, कोई भी अमावस्या आती हो, उस अमावस्या को दिन सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन, श्राद्ध पक्ष के दिन, नव दुर्गा के समय पे, पिता के श्राद्ध के दिन, गुरु के श्राद्ध के दिन, कुल देवी देवता की जिस दिन पूजा की जाती हो, उस दिन मांस का सेवन, मदिरे का सेवन और पराई स्त्री या अपनी स्त्री का भोग नहीं करना चाहिए। यदि आपने कोई व्रत अनुष्ठान उठाया हुआ है, व्रत रखते हैं पूरे साल भर, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो अनुष्ठान के दिनों में, व्रत उपवास के दिनों में सहवास संभोग शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी भी सूर्यास्त के समय पे और सूर्योदय के समय पे मांस का सेवन, मदिरा का सेवन और सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, दारुण रात्रि के दिन, मोहरात्रि के दिन, काल रात्रि के दिन, ये चार रात्रि होती, इन चार रात्रि को कभी भी मांस का सेवन, मदिरे का सेवन और अपनी स्त्री का सेवन, अपनी स्त्री के साथ सहवास संभोग या पराई स्त्री के साथ सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत, देव उठनी ग्यारस, देव शयनी एकादशी, निर्जला एकादशी और पूरा श्रावण के मास में, जिसको सावन का महीना बोला जाता है, शिव जी का महा बोला जाता है, उस श्रावण मास में कभी भी पूरे महीने भर तक सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा शिव जी और पार्वती क्या क्रोध अवश्य आपको प्राप्त होगा। ये नियम है, शास्त्र विहित निर्मित है, शास्त्र में बताए गए हैं। यदि आप इनका पालन नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आपने अभी तक कर लिया है तो आगे कैलेंडर ला करके उसमें निशान लगा दे, उस इन इन रात में कभी भी सहवास नहीं करें, संभोग नहीं करें, शराब का सेवन नहीं करें, मांस मदिरे का सेवन नहीं करें, तो आप सुखी रह सकते हो। और यदि आपने कर लिया है तो इसका प्रायश्चित यह है कि पांच बार महांकाल महाराज उज्जैन में जाकर के उनका अभिषेक करवाएं, तो आपको इन पापों से प्रायश्चित हो सकता है। अन्यथा ये पाप अवश्य आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो आपको तरह तरह की बीमारी देंगे, तरह तरह के कष्ट देंगे, तरह तरह की परेशानियों में डालने का काम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पाप तो कर चुके हो और पापों का प्रायश्चित मैंने बता दिया है। वहां जाकर के माफी मांगे, पांच सोमवार पांचों दिन अभिषेक करें महाकाल महाराज का, तो आपको इन पापों के प्रायश्चित मिल सकता है। जय श्री महाकाल। हम सम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय। ओम भैरव भूतनाथ भूतात्मा भूतभावन क्षेत्र के क्षेत्रफल क्षेत्र क्षत्रियो विराट शमशानवासी महासांसी खरप्रासी स्मांकत रक्त बह पान पह सिद्ध सिद्धि सिद्धि सवित कंकाल कालचमन कला काष्ठ तनुकवि तीने तो बहुने चत ओम पिंगल लोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरविना तो ओम भूतो योगिनीपति दंदो धनहारी च धनवान प्रतिवर्दना नागारो नागपाशो व्योम केश कपाल बद काल कपाल माली च कमली कला निधि त्रिलोचना जल नेत्र शिखी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खडंगवांगवर भूताध्यक्ष पंचपति भिक्षु परिचारक धूर्तो दिगंबर शोणहणि पांडुलोचन प्रशांत शांति सिद्ध शंकर भी बांधव अष्टमूर्ति निधिष्ट गान चक्षुष्म अष्टाधार सड़ाधार सर्पयुक्त शिखी जग भूधरो भूधराधीशो भूपति भूधरात्मज कंगालधारी मुंडी चना जज्ञो पवित्वाण जम्बणा स्तंभी मारण शोभन स्थिता शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धने मुनिचन बली भुग बली भुंडनाथो बालो बाल पराक्रम सरोपदारणा दुर्गाय दुस्तुभ निशमित कामी कला निधि कांत कामी नवत्कसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुदो हिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्मनम। जय मां कामाख्या।